शुक्रिया अमित। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और याद करते हैं 12 मार्च 1930 को। सन 1930 को आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुचर्चित दांडी मार्च की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 358 किलोमीटर की यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। दांडी पहुंचकर बापू ने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा और देशवासियों को नमक पर लगने वाले भारी कर से मुक्ति दिलवाई। इसी विषय पर विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर एस एन सुभाराव जी। आप स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गुलामी के उस दौर के गवाह भी, जिन्होंने समय को बहुत करीब से देखा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई तो किन कठिन परिस्थितियों में और कठिनाइयों में बापू ने इस यात्रा को, इस आंदोलन को पूरा किया? देश के साथ लोगों को जोड़ने की बात थी, कैसे कैसे जोड़े। आज़ादी के साथ तो जोड़ना ही है, लेकिन आज़ादी कल्पना कल्पना है, तो कुछ काम के माध्यम से जुड़े तो मनुष्य को लगता है कि अच्छा, मैं अब उसके अंदर आ गया हूँ अथवा आ गई हूँ। तो उसके लिए रास्ता खोज रहे थे गांधी जी, लेकिन सारे के सारे जुड़ जाए कैसे होगा। देखा, ऐसे कौन सी चीज़ है जो हर एक आदमी उसमें ज़रूरत है, संबंध रखता होगा। तो देखा, खाना तो है ही, और मेरी मातृभाषा में तो एक कहावत है, उसका मतलब होता है माँ से ज़्यादा रिश्ता नहीं, नमक से ज़्यादा स्वाद नहीं। तो स्वाद के लिए नमक सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ है। और देखा, उसी वक्त अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, तो गांधी जी को लगा कि हर एक आदमी को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है, नमक है। तो उन्होंने कहा नमक का हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करेंगे तो हो गया, लेकिन अब इसको हाईलाइट करना चाहिए, अखबार वाला कैसे देगा ये। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम यात्रा करेंगे। तो यात्रा करने से गांव-गांव के संपर्क आएगा, लोगों को संदेश जाएगा। तो यात्रा एक बहुत अच्छा विधि है, इसलिए उन्होंने अपनाया। और अभी 12 मार्च आ रहा है, तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने तय किया हम चलेंगे। और साबरमती में उनका आश्रम था, धीरे 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 आश्रम एक तरह से जम गया था। फिर वहाँ से चलने की बात हुई, साबरमती नदी है, अभी भी साबरमती के नदी के किनारे में वो आश्रम भी बना हुआ है। तो साबरमती के नदी किनारे पे बहुत बड़ी सभा हुई और वैष्णव जन तो भजन हुआ, रामधुन हुआ। फिर गांधी जी ने कहा अब हम यात्रा शुरू करेंगे और आज़ादी आ जाएगी। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य नमक कानून को तो खत्म करना था ही, क्या इसके कुछ और मुख्य उद्देश्य भी थे? क्या लगता है, बापू को ऐसा लगता था कि इस आंदोलन के मकसद से देश एकजुट होगा? मुख्यतः ये है, लोगों को भारत माता के साथ जोड़ना, नहीं तो लोगों को क्या मतलब है देश से। मैं हुआ, मेरी बीबी हुई, मैं, हमारा खाना खाना है और नौकरी करना है, दो पैसा कमाना है, इसी में उलझा रहता है। उसको राष्ट्रीय काम के साथ जोड़ना बड़ा काम था। कम से कम हर एक आदमी सोचने लगे, अरे ये मेरी भारत माता है और वो आज स्वतंत्र नहीं है। नहीं हो तो स्वतंत्र परतंत्र कोई चिंता ही नहीं करता आदमी, क्योंकि अपने काम में लगे रहता, मस्त रहता है। तो इसीलिए कई चीज़ें हुई, उसमें नमक सत्याग्रह एक स्टेप था, एक कदम था। सर, आप आज के युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सर, आपको क्या लगता है किन बदलावों की ज़रूरत है आज के युवा के लिए, ताकि उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके? आवश्यकता है, और मैं सोचता हूँ संभावना है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग कहते हैं हमारे देश को कोई सुधर नहीं सकता है, ये कभी नहीं होगा, विशेष करके भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार हमारे देश में कभी मिटेगा नहीं, ये सब बोल। अब लोगों को कम से कम अपने दिल तो बनाना पड़ेगा, मिटेगा भ्रष्टाचार। कोई अमेरिका में कोई बोल रहे थे मुझे, हिंदुस्तान सब, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी सब के सब भ्रष्ट हो गए। मैंने कहा सभी नहीं, एक के सिवा, क्या मतलब आपका, आप तो नहीं भ्रष्ट है ना, आप भ्रष्ट हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ईमानदार हूँ। तो एक तो ईमानदार है, आप जैसे और भी लोग हैं। तो एक हमारा मान्यता है बहुत पहले से, वो है देश, समाज, संस्था या गांव नीचे गिरता है तो
तो दोनों तरह के लोग जिम्मेदार हैं। हम सबको सोचना चाहिए हम किस तरह के लोग हैं। एक को हम कहते हैं दुर्जन है जो सक्रिय हैं, मुट्ठी भर हैं। अब दिल्ली के सारे बहुजन बहुसंख्या के लोग अगर दुर्जन हो जाए तो दिल्ली रहती नहीं, तो कहीं भी हो। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, करोड़ों करोड़ों सज्जन हैं जो निष्क्रिय है। सो सक्रिय दुर्जन, निष्क्रिय सज्जन। तो ये जो आपने कहा कि नौजवानों को क्या करना है, सज्जन बनने का है, सज्जनों की संख्या बढ़ाने का है, और सज्जन सक्रिय होना जरूरी है। शिष्ट हिंदुस्तान भारत बनना है तो उसके लिए चाहिए मनुष्य का दिमाग सुंदर होना चाहिए। तो वो जो वाक्य है, लड़ाई रावण के दिमाग में शुरू होती है, लंका में नहीं, और कुरुक्षेत्र में लड़ाई शुरू नहीं होती है, दुर्योधन के दिमाग में होती है। यूरोप में शुरू नहीं होती है, हिटलर के दिमाग में होती है। ये बहुत स्पष्ट है। तो इसीलिए भारत हम चाहते हैं हिंसा मुक्त हो। हिंसा मुक्त भारत चाहिए तो मनुष्य का दिमाग से हिंसा खत्म हो जाना चाहिए। और मीडिया, आप लोगों की बहुत मदद चाहिएगा। कितने ऐसी घटनाएं होती है, आजकल कोर्ट में ऐसे बयान आने लगे, क्यों ऐसा किया, हमने सिनेमा में देखा था तो मैंने सोचा हम भी कर ले, चोरी का, बदमाशी का, मारने का, सिनेमा में देख देख के होता है। सिनेमा वाले थोड़ा सोचना चाहिए, हमारे लिए अच्छा देश बनना है, हमारे लिए अच्छे नौजवान होना है, इसलिए अच्छे अच्छे सिनेमा में मूल्य सिनेमा के माध्यम से फैले, सब कोशिश करना चाहिए। सर, आपने दर्शकों को दांडी मार्च के बारे में इतने विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते आपको धन्यवाद, और आपके जितने लोग भी कार्यक्रम देखेंगे वो सब सोचे मैं स्वतंत्र भारत का अथवा स्वतंत्र भारत के नागरिक हूँ, और भारत से कमियाँ सब दूर होना और दूर करना मेरा काम है, ये किसी और का काम नहीं है। तो सभी 130 करोड़ भारतीय, छोटे बड़े, पुरुष स्त्री, सभी सोचे मेरा काम है मेरा भारत को सुंदर बनाना। तो उन सबको मेरे नमस्कार। दांडी मार्च की सफलता ने अंग्रेजी प्रशासन को हिला कर रख दिया था। बापू के एक आग्रह पर देश ने एकजुटता दिखाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस असाधारण योगदान को देश हमेशा याद करता रहेगा। कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।